वक्त की बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। इस परीक्षा में कुल 79,764 छात्रों का पंजीयन हुआ, जिसमें 78,164 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। 115 परीक्षार्थी का परीक्षा फल विभिन्न कारणों से रोका गया है। वहीं 16,608 परीक्षार्थी आरटीडी योजना के अंतर्गत परीक्षा में सम्मिलित हुए। सिर्फ 61,511 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, जिसमें कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 16,409 रहा एवं परीक्षा फल प्रतिशत 95.5% रहा। कुल 1,102 परीक्षार्थी अनुसरण में रहे, जो घोषित परीक्षा परिणाम का 1.8% है। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें परीक्षा परिणाम 98.2% रहा। आज ओपन स्कूल के 12वीं क्लास का रिजल्ट ओपन हुआ है और उसमें रिजल्ट टोटल 98.20% रहा है और डिक्लेयर हुआ है 61,511 छात्रों का, और उसमें टोटल जो पास हुए हैं 60,409, और जो उसमें जो फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं उनकी संख्या 52,304, और सेकेंड डिवीजन पास हुए हैं 6,982, और जो परसेंट ये नहीं हुआ 85% फर्स्ट डिवीजन है और 11% सेकेंड डिवीजन है, और फेल भी हुए उसमें 1,102। तो जो इसमें सफल हुए हैं उत्तीर्ण छात्रों को मेरे तरफ से बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, ओपन बुक पैटर्न पर परीक्षाएं थी, उसके बावजूद चाहे 12वीं के नतीजे देखे जाए, चाहे ओपन बुक पैटर्न की, क्यों बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं, कुछ कारण पता चल पाया है? अभी तो आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। ये तो परीक्षा दिए हैं, परीक्षा उसमें लिखे हैं, कुछ कम बेसी हुआ होगा तो भी उसमें कुछ उत्तीर्ण हुए हैं, कुछ अनुत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन CBSE का तो सबके सब उसमें पूरा उसको निरस्त कर दिया गया था, उसमें भी 99% उसमें आए हैं, उसमें 1% कहाँ गए उसमें। अच्छा, 2 अगस्त से स्कूल खुलने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके के ध्यान जो है स्कूल वालों को रखना है, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? 2 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं, 11वीं और 10वीं के स्कूल खुलेंगे, तो उसमें पूरी तरह से जो कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, सभी स्कूलों के अलग से SOP जारी की जाएगी, वहाँ पर पूरी व्यवस्था उसमें रहेगी, 50% बच्चे को उसमें आने की अनुमति रहेगी, और उनके जो पालक हैं उनकी सहमति आवश्यक है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्कूल को खुला जाएगा।